हालेलुया। जय मसीह की सबको स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रेडेशन को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा आज का पवित्र वचन है, नाश न होने वाले मसीही। जैसे एक पत्रस दो अध्याय उसके तीन आयत में लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि तुम अविनाशी बीज से नहीं पर नाशवान बीज से अपनी माता के घर में गए। एक नाशवान बीज वो होता है जिसके द्वारा आप अपनी माता के घर में गए। वह नाशवान बीज ऐसा है कि जिसके द्वारा आप जीने के बाद में मर जाएंगे, पर बाइबल कहती अविनाशी बीज से तुम्हारा जन्म हुआ, यानी कि सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा पैदा हुए हो और तुम नाश नहीं होंगे। मेरे प्रियो, नाश होने का मतलब है कि व्यक्ति का अच्छा कारोबार चल रहा है, एक दिन दुर्घटना से उसकी मौत हो गई, उसका परिवार खत्म हो गया, उसके बाद उसका सब कुछ खत्म हो गया था। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि ऐसा विनाश तुम्हारा कभी नहीं होगा। फिर सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी आप अंत जीवन को पाएंगे। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें धरती पर भी जीवन दूंगा और स्वर्ग में भी जीवन दूंगा, पर यह तब होगा जब आपका जन्म मेरे वचन के द्वारा होगा। परमेश्वर के कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अपने पापों से तौबा कर ली और अगर बपतिस्म ले लिया है और नया जीवन पा लिया, अगर तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है और अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, तो परमेश्वर कहते तुम अविनाशी बीज से पैदा हुए हो। याकूब का ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर था, यूसुफ का ध्यान अपने पिता की गवाही, अपने स्वर्गीय पिता यहोवा की गवाही और उसके वचन की ओर था, इसलिए वह फल लेकर आया। इसलिए पहला काम जो आपका होना चाहिए अविनाशी मसीह होने के लिए, कि वचन के द्वारा आपका नया जन्म होना चाहिए। अगर आपने वचन के द्वारा जन्म पा लिया तो आप नशे करने वाले नहीं होंगे। रविवार को चाहे कोई भी काम हो, आप परमेश्वर के हजूरी में होंगे। आप मसीहित की जिम्मेवारियों के प्रति वफादार होंगे और आप परमेश्वर के साथ वफादार होंगे। अगर आपने परमेश्वर के द्वारा नया जन्म पा लिया है और आप सिर्फ विश्वास योग्य ही नहीं होंगे पर आप फलदायक भी होंगे और आपका बाप आपसे ज़्यादा प्यार करेगा। बाइबल कहती है कि वह आपको अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त करेगा, क्योंकि वचन के द्वारा जब आप पैदा होते हैं तो आप कभी भी नाश नहीं होते, क्योंकि वचन कभी भी नाश नहीं होता। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैंने आपके वचन के द्वारा नया जन्म पा लिया है, अब आप मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं आपकी हजूरी में बनी रह सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की सबको।